वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है, अब शाम हो रही है एंड आज का वेदर इतना प्यारा चल रहा है, यहाँ से नहीं देख रहा पोपड़ हो गया, नेवर माइंड। आज सुबह से रात में फिर से लेट सोई थी, बट रात में बारिश हो रही थी, बहुत बहुत तेज हो रही थी, बट बहुत अच्छा वेदर हुआ है। सुबह से बारिश चल रही है, ऐसे सूरज को तो टाटा बाय बाय हो चुके हैं आज, कोई सीन नहीं है। एंड अपडेट, जिम की बॉडी का अपडेट देते हैं हम। जो दर्द हो रहा था मेरे को, अब बिल्कुल ठीक हो गया है, रेस्ट ले लिया, अच्छी खासी नींद ले लिया। आज सुबह मैं उठी थी, फिर दादू दादी आए हुए थे तो उनके साथ बैठे हुए थे, फिर खाना वाना खाया, उसके बाद अभी मैं काम में लगी हुई थी तो कुछ सीन नहीं, मेरे को याद ही नहीं रहा व्लॉग करने का। बट अब शाम हुई है एंड मैंने अभी हेड वॉश करना है सब कुछ, तो हेड वॉश मेन है क्योंकि मैं नेक्स्ट वेंसडे कर नहीं सकती क्योंकि निर्जुला एक आज ही है, तो आज मंडे है तो फिर करना इम्पोर्टेंट है, तो हम पहले हेड वॉश करेंगे। एंड मौसम बहुत अच्छा रहा है, मौसम देख देख के मैं खुश हो जाती हूँ। मतलब अभी ना मेरा लो चल रही थी थोड़ा सा, मतलब मन नहीं था ऐसे, मैंने सोचा चल यार छोड़ व्लॉग कर, शाम में स्टार्ट करेंगे या रात में स्टार्ट करेंगे, बट इतना अच्छा मूड हो गया है मेरा वापस। एंड जिम की वजह से यार बैक टू वो हो गई हूँ मैं, वैसे ही पहले की जो 1.5 महीने में मैंने खराब करी थी ना, मतलब ऑब्वियसली एक हफ्ते में तो आप 1.5 महीने का वापस नहीं कर सकते, ये तो स्टूपिडिटी है मेरी बोलनी, बट ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा क्लीन खाया है, बीच में थोड़ा चल रहा था बट वैसे मोस्टली मैंने क्लीन खाया है, पानी ज़्यादा पी रही हूँ तो उसकी वजह से स्किन थोड़ी बेटर होने फील हुई है। एंड फिर थोड़ा कपड़े वपड़े टाइट से थोड़ा ढीले हुए, फिर से थोड़ा सीन सेट हो रहा है, मतलब ब्लोटिंग नहीं हो रही है, वैसे फूला फूला नहीं लगता, तो अभी अच्छा चल रहा है जिम का प्रोग्रेस एक हफ्ते का, मैं बहुत खुश हूँ। वही पुराने वाले वेट्स उठा पा रही हूँ 1.5 महीने बाद भी, तो मम्मी ने हमें जंक पे नहीं रखा बचपन से, हमें हमेशा लाइक घर का खाना, क्लीन खाना, हम कभी बाहर जाते थे ना हम तो खाते थे, तो ना हमारी बिल्कुल ऐसे फाउंडेशन जो बचपन से चली है ना हेल्थ की, वो बिल्कुल तगड़ी है, तो हम ऐसे तगड़े हुए हैं तो ना टच बोर्ड अब मैं बोल दिया बकवास, बट हाँ तगड़ी चली है, तो यार उठ जाता है, मतलब वो वेट उड़ गया मेरे से वापस, तो उसकी मैं हर पूरे हफ्ते में यही खुशी मना रही थी। बट हाँ आज जिम जाना है, बारिश का अभी तो कोई सीन नहीं है बारिश का, पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, जब मैं बाहर जाऊंगी ना मैं तब दिखाऊंगी, स्काई देख रहे हो, कॉफी भी दिखाऊंगी, पहले मैं जो आपको कॉफी दिखाई है ना दूध वाली, वो मैं पीती थी जब मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रही होती हूँ, जिम विम नहीं चल रहा होता, मौज मस्ती चल रही होती है, तब वो मेरी कॉफी चल रही होती है दूध वाली, ठीक है। बट मैं जब वो पीती हूँ जिम जाने लगी थी ना मैं स्टार्ट, तो मैंने स्टार्ट कर दिया कोल्ड ब्रू पीती हूँ मैं, वो मोस्टली पानी होता है उसमें, दूध इतना सा मैं डालती हूँ वो भी फ्लेवर के लिए, क्योंकि वरना वो बिल्कुल ही गड़वी लगती है, वो भी बना के दिखाऊंगी अगर मेरे पास टाइम होगा तो। बियॉन्ड ड्राइंग रूम में बैठ के गाने सुन रही थी, मस्त मूड बना है, मैं बता रही हूँ ना अभी तक मैं थोड़ा लो चल रही थी, फिर मैंने गाने लगाए, ये लगा हुआ है अभी भी, तो मैंने गाने लगाए मस्त, आधा एक घंटे से गाने सुन रही हूँ, मस्त यहाँ पर वेदर जैसे देख रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, अच्छा हो गया मूड पहले से, अच्छा हो गया, मैंने सोचा चल यार अब तो व्लॉग स्टार्ट ही कर देते हैं यार, मिस कर, मतलब मैं नहीं बात करती ना पूरे दिन में, फिर मैं मिस करती हूँ यार शिट यार बात नहीं करी यार आज तो यार लोगों से, मतलब ऐसे ना वो कैमरे और मेरा बोलने वाला सीन नहीं रहा है, मैं लिजड़े से इमेजिन एक्सपीरियंस ले जो भी बोलते हो ना, मतलब ऐसा लगता है मुझे मैं किसी और से बात कर रही हूँ, मैं इतना यूज्ड हो गई हूँ, तो अब वो कैमरे वामरे वाला कुछ सीन है, मुझे लगता है मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात कर रही हूँ, तो अभी मेरे को पहले टोकरा खाली करना है, फिर मम्मा पापा के लिए शायद मैं हेड वॉश करने जाऊँ, फिर चाय वाय का सीन शायद मैं बनाऊँ या शायद मम्मा बनाएंगी, पता नहीं, पापा को कभी कभार मेरी पसंद नहीं आती थी, मैं मम्मा को यही कहती हूँ कि यार आप बना लो इससे बेटर है, मूड ना खराब है पापा का, पूछ चाहिए वर्कआउट से पहले, कुछ खाया नहीं है बस मेन, अच्छा खासा लंच करा था, मम्मी ने कड़ी बनाई थी तो लंच करा अच्छा खासा, और नबी हर्ष के साथ बैठे हुए थे, खुशखबरी जो मैंने आपको बताई थी, अच्छा वो तो बताने भूल गई मेन चीज़, एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज परसों आ रहा है एंड वी आर सो एक्साइटेड, मतलब आप हर्ष मेरा दिमाग खा गया, पूरी दोपहर बैठ के उसने मुझसे यही बातें करी है, आ नहीं सकती अभी डिस्क्लोज करने का मेरा मन नहीं है, मैं जिंक्स नहीं कर रही, मतलब डिस्क्लोज कर भी सकती हूँ बट आप वो तभी देख लेना परसों वाले व्लॉग में, वो परसों वाला व्लॉग ही उसके ऊपर होगा पूरा, तो एक बहुत तड़कता भड़कता सरप्राइज आ रहा है, रहा था मैनिफेस्ट करा था एक दो साल पहले एंड वो मैनिफेस्टेशन अब पूरी हो रही है, तो मुझे ऐसे बिलीव होने लगा है मैनिफेस्टेशन में, तो यस बहुत तगड़ा सरप्राइज आ रहा है। प्रोटीन लेके जाऊंगी मैं अंडे, क्योंकि बंद हो गया, पापा ने स्ट्रिक्टली बोल दिया अंडे नहीं खाने, क्योंकि हमारे में नहीं खाते, एगिटेरियन भी नहीं होते, नॉन वेजिटेरियन तो ऑब्वियसली नहीं होते अगर एगिटेरियन नहीं है तो,
तो हम जिनको मानते हैं हमें नहीं खाते ये सब, बट फिर मम्मा ने बोल दिया था, पापा ने, बाहर खाने के लिए अलाउ हो गया था, तो मैं कभी कभार जिम के बाद अंडे खाने लगी थी, बट फिर पापा ने अब स्ट्रिक्टली मना कर दिया, तो अब कट हो गए, अंडे इज कट फ्रॉम माई लाइफ अगेन. तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पनीर टोफू खाएंगे, मस्त खाएंगे भाई. यार बहुत चीज़ें बनी यार वेज में, हम वेज वे वेज से बॉडी बना लेंगे. क्या क्या है, शर्मा रही हो आप तो? मेरे क्यों लागे खड़ा कर दिया? मैं मुंह पे नहीं हूँ, बहुत दूर हो अभी नहीं मेरे पास. क्योंकि अच्छा अब व्लॉग स्टार्ट करो मम्मा, आप क्या कहना चाहोगे? लाइट नहीं आ रही, अब 1x पे करती हूँ तो देखो डिफरेंस, देखो कैमरे का. मैंने कुछ नहीं करना, जाती मैं चाय बना. हाय बोलो. हाय हाय. अभी इस टाइम हेलो हेलो, शाम में हेलो नहीं कर सकते क्या? पापा हाय बोलो. पापा बना रहे जा रहे हो, आप चाय बना रहे हो. वेरी गुड, मेरा काम खत्म हुआ. टोकला तो और परसों जो सरप्राइज आ रहा है, मम्मी खुश हो? ये सब नहीं बताना चाहते बट मैंने बता दिया. सरप्राइज बताया, ये नहीं बताया क्या आ रहा है, वो आपको वेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली. ये अभी कोई डिस्क्लोज नहीं करना चाहता सरप्राइज. इतने खुश है ना सबके सब, देखो खुशी चमक रही है. मैं कह रही हूँ धीमी धीमी, मम्मी भी धीमी धीमी हंस रही है. मैंने एक चीज मैनिफेस्ट करी थी एंड अब वो पूरी हो रही है. बहुत बहुत खुशी है हमें. आई डोंट नो. You don't know, हाँ वो मम्मी प्रटेंड करेंगी. You don't know, आपको नहीं. She's so खुशी खुशी. गर्म हो पम, आपको फीवर है क्या? गर्म हूँ. अच्छा मैं हॉट पैदा हुई थी. नहीं उबाली नहीं है. मेरे को फीवर नहीं है मम्मी, मैं गर्म पैदा हुई थी. हॉट आई एम हॉट. ये बकवास से जोक मार लेते हैं हम. तो ये देखो टोकरा, पता नहीं हर दिन कैसे भर जाता है, इतना खाते नहीं है हम जितने बर्तन भर जाते हैं पूरे दिन के. तो ये टोकरा खाली करना है अभी हमें. मुंह दिखाई तो कर ही सकते हो, खा तो अब मैंने लिया ही है. जिम करते हैं अब तो. पहला फेज होता है ना जिम का, जहाँ वो ओवर साइज टी शर्ट और ओवर साइज पजामे या जॉगर वो पहन के जाते, वो मेरा भी चल रहा है. जब थोड़ी बॉडी बनेगी ना तब हम आएंगे शॉर्ट्स या लेगिंग्स या जिम वाले कपड़ों पे. अभी अभी माफी, हम ऐसे ही ठीक है. अभी हमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना. हम शक्ल हर्ष के देख रहे हो आप, शक्ल अब पता चल जाएगा. उसकी खुशी अलग से ऐसे छलकती है हर बंदे को भाई. उसने हर बंदे को बता दिया कॉल करके अपने दोस्तों का, इतना उसके पेट में बात नहीं बचती. हमने उसको इस बार बोला था ना कि भाई पेट में पचा लियो, उससे नहीं पचती भाई. बट उसने इस टाइम पता नहीं इस बार कैसे पचा लिया, बट अब उसने बता दिया है अपने दोस्तों को. पर कोई नहीं यार, ठीक है, खुशियां बांटने से और बढ़ती है. लो स्काई छोड़ो, ये देखो. ओ माय गॉड, केड़ा बाहर जगास. ये आईफोन है ना थोड़ा खराब है सिस्टम. गाइस मैंने दिमाग लगाया एंड मैंने सोचा कि मैं जिम से पहले हेड वॉश करूंगी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल ट्यूसडे है फिर वेंसडे है, मेरे को दो दिन तो टिकाना ही है. अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है समझ रहे हो. तो कल भी मैं मतलब एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो लंच करने जा रहे हैं हम, तो मतलब टिकाना है दो दिन सर. तो मैंने सोचा यार अभी करके जाऊँगी जिम तो पसीना ही होना है, फिर सर गंदा हो जाएगा. तो इससे बेटर है हम वो वाले टाइप नहीं बनते जो नहा धो के जिम जाते हैं. हम जिम के बाद धो लेंगे सर, नहा धो लेंगे, सब कुछ कर लेंगे. तो अब प्लान कैंसिल हो गया सर धोने का. मम्मी आज बात ही नहीं करी, मैं तो नाराज हूँ मम्मी. अब बात ही पता नहीं कैसी कर रहे हैं, मैं क्या बोलूं. क्या टोकरा देखो खाली हो गया, गुड गर्ल की तरह मैंने काम कर दिया. अब कोल्ड ब्रू बनाते हैं. कोल्ड ब्रू ना क्या हो रहा है मेरे को, टंग ट्विस्टर की तरह हो गया. बट अब कोल्ड ब्रू बनाते हैं. मैं ना मेसन जार यूज करती हूँ, तो मेसन जार लेके पहले बर्फ से भर लेंगे हम. भर लेती हूँ काफी, मेरी बर्फ ही होती है मोस्टली. ठीक है, एक कप में पानी ले लिया. ये मैं ये वाले पाउच छोटे वाले यूज़ करती हूँ तो इससे ज़्यादा अच्छा आइडिया आ जाता है. तो एक या दो ही लेती हूँ. पानी में मिक्स करेंगे कॉफ़ी को एंड फिर स्टीविया दिखाती हूँ गाइस. और फिर मैं ये स्टीविया यूज़ करती हूँ, पता नहीं कौन सा जिंदगी का कोई ब्रांड है, पता नहीं कौन सा बास्केट से मिला था. एंड ऐसे साशे आते हैं तो मैं एक पूरा स्टीविया का ये साशे डालती हूँ. शुगर फ्री नहीं यूज़ करते हैं, वो बोलते हैं अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, तो शुगर फ्री मैं यूज़ नहीं करती. तो इसलिए ये वाली स्टेविया ऑर्गेनिक है तो ये वाली मैं यूज़ करती हूँ. एंड इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी इसमें. अभी रुको चम्मच लाती हूँ. हाँ सर ये मेरे ऊपर, मैंने कहा अभी रुको चम्मच लाती हूँ. तो ये क्या बताने की तो ये रियल रहूँगी ना मैं, सबको चम्मच से ही मिक्स करूँगी, मुँह से थोड़ी. तो चम्मच दिखा रही फिर से. कॉफ़ी डालते हैं. ठीक है स्टेविया एंड स्टीविया यार देखो, अगर आपको ना अपने डेली डोज में शुगर कट करनी है तो स्टीविया बहुत अच्छा ऑप्शन है.
आपको शुगर कट करना है अपने उससे तो स्टीविया बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप वो कर सकते हो। तो ये मैं बस ऐसे मिक्सचर डाल देती हूँ इसमें, तो मैं थोड़ा सा दूध ऐड करती हूँ इसको और थोड़ा कलर देने के लिए। देखना कलर, बस देख रहे हो, बस मिक्स करके बस हमें बन गया मेरा कोल्ड ब्रू। इससे ना थोड़ा बूस्ट मिल जाता है, ब्लैक कॉफी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। तो थोड़ा आदत दिन, एक दो दिन आदत बनाने में टाइम लगेगा, बट काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। अगर आपको मीठा काटना है बट कॉफ़ी फिर भी चाहिए तो ये पिया करो। तो हम ये पियेंगे फिर हम जिम जाएंगे। तो इसको पढ़ा ही रहता है, बता चल, मैंने बताया कुछ सरप्राइज आ रहा है परसों, देख रहे हो मैंने कहा था स्माइल से पता चल जाएगा, नहीं अभी नहीं दिखाना कुछ भी, परसों सरप्राइज आया, नींद उड़ा दी इसने मेरा आज पूरा दोपहर दिमाग खराब करा ये बोल बोल के, मैं सोने का मन था बट नहीं सो पाई इसकी वजह से। हो गया ऐसा क्या सरप्राइज आ रहा है, पर यार हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है, मतलब बहुत देर से वेट कर रहे थे। शक्ल से देख लो लड़के, नींद गई, ये भी जिम जाएगा अभी तो कॉफी पीता है। नहीं जा रहा आज तो जिम, ये नहीं जा रहा जिम, मन नहीं आया अब, दो दिन मन ही नहीं रहा है इसका ना, तो हम तो कॉफी पी रहा है, हमें तो जिम जाना है, ये तो अपने सपनों की दुनिया में रहे, हम भी हैं बट हम थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे। वी आर एट द जिम, हर्ष छोड़ने आया है मेरे को, और मौसम देखो दिख रहा है कितना सुंदर सुंदर बादल पसीने, अरे यार धूप निकल रही है बट बादल बहुत अच्छे हो रहे हैं। एंड ये बंदे को मैंने थोड़ा झड़का था कॉल पे, पर क्या हुआ यार मैं सो ही नहीं, इसके मैंने सरप्राइज बताया ना, इसने मेरा दिमाग खाए रखा पूरी दोपहर, मैं सोने का ट्राई करा फिर थोड़ी बहुत नींद आई, इसका कॉल आ गया और सारा भड़ास इसमें निकल गई एंड गालियां दे रहा है अभी मेरे को मन ही मन में, पर बोल नहीं रहा, मुंह पे भी दूंगा अभी। हम अभिषेक का वेट कर रहे हैं एंड हर्ष अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, अभी तो मजे कर रहे हैं। एंड भाई तुम्हें वेट चल रहा है, परसों क्या है, परसों एक सरप्राइज आ रहा है, तड़कता भड़कता है, चढ़ता भड़कता। आज इंटरप्शन हो गया था, लोग आ गए थे सेल से, भैया हमारे नेता हैं यहाँ के आते जाते सब लोग इससे मिलते हैं, चलो बता दे आज क्या करेंगे हम, गाइस मैंने सोचा है आज करेंगे हम एब्स, ना जी घंटा करेगा नहीं, ये जिंदगी में भी एब्स नहीं करता ना, नहीं करनी कटिंग मार के करना है, आज हम मारेंगे चेस्ट, आज हम चेस्ट नहीं मारेंगे, बाय ट्राई चेस्ट ट्राई, सारे खच मारेंगे, चेस्ट ट्राई करेंगे, सारा जिम मारेगा चेस्ट, चार चेस्ट ना मारे यार, बाय ट्राई यार, चेस्ट मारनी है, चल चल मंडे को तो वही चेस्ट वाला सीन चलता है, अर्जुन यूज लेंगे चेस्ट जो कोई नहीं, आज हम शायद बाय ट्राई लेंगे पर मेरा मन आज चेस्ट का, शायद ले लेंगे कह दी बाबू यार, वैसे बैठे अभिषेक तो हम अभी जिम के लिए, वेरी गुड वेरी गुड डेडिकेशन, वेरी गुड, ये डेडिकेशन ने फेल करा दिया, दिखा सरप्राइज नहीं, ये सरप्राइज अभी परसों ही दिखेगा आपको, परसों के लिए वेट करो, चलो अब जिम जा रहे हैं। इनकी डेडिकेशन तो छोड़ो, इनका सरप्राइज की खुशी देखो दोनों को कितनी है, मैं पूरे दिन दिखा चुकी हूँ, मम्मी को खुश दिखा चुकी हूँ, ये देखो यार इतना से मत, ये दूसरा देखो, दूसरा का वेट करो, ऐसे बिल्डअप कर दूंगी, दो दिन में ऐसे बिल्डअप कर दूंगी आपके, हां भाई इधर दिखा, ये कौन है, ये कौन, आपके पेट में दर्द हो जाएगा जितनी हमारे पेट में दर्द हो रहा है। गाइस बैक फ्रॉम जिम, जिम से आके बहुत टाइम हो चुका है, मैं पूरे टाइम जिम से आने के बाद मेरे पास एक टास्क होता है व्लॉग एडिट करना और अपलोड करना, उसी में मैं लगी हुई हूँ, अभी तक व्लॉग एडिट नहीं हो रहा, एक तो आजकल नेट नहीं चलता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे हो रहा है तो वो थोड़ा सा लेट जाता है 10 बजे के बाद, बट कोई नहीं, ये तो मैं हेड वॉश नहीं करती, आलस आता है सुबह सुबह करने में, एंड फिर रात में हेड वॉश करके ना फ़ायदा ही होता है, वॉल्यूम आ जाती है बालों में, सुबह जब उठती हूँ तो ऐसे हैवी हैवी फील होता है। एंड मम्मा और हर्ष आके यहाँ बैठ गए मेरे साथ, क्या क्या बोले, क्या बोले के ये क्या होता है, क्या बोले बताओ, मैं बताऊंगी तो ये बोलोगे क्या, मतलब ये क्या मतलब हुआ, लेट चल रही है उसके भी आजकल, ब्लॉग लेट, आई ब्लॉग नहीं डलता, लेट नहीं कर रही है, अब बहुत धीरे चल रहा है आजकल नेट, तो लेट हो जा रहा है पर कोई नहीं। हाँ पर अपनी पनीर सब वाली डाइट ले ली थी, जिम कर अच्छा मस्त, चेस्ट और ट्राइस से भी मारे, अरे यार मैं वहाँ पर ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत नए नए लोग आए हुए थे, तो ना अजीब लग रहा था वहाँ ब्लॉग करने का, अजीब नहीं करना चाहिए ना, अरे मम्मी जगह नहीं होती ना यार रखने के लिए, मैं कहाँ रखूँ, बीच में लोग आते रहते तो क्या ही फायदा, गए थे वॉक पे आज, क्यों बारिश पानी भर रहा था, पापा ने बोला सुबह भी गए थे वो कह रहे 10 मिनट लेट हो गया, फिर स्पीड नहीं बनेगी तो ये तो अपना खाना पीने गया मम्मी, फिर भी वॉक, ये तो अपना खाना पीने, इसे खाने पीने से बनते हैं, किटकैट शेक पता नहीं क्या क्या पी गया वगैरह, प्रोटीन लगा बकवास, रहन दे तू, ये व्लॉग डालूंगी एंड फिर थोड़ा बहुत पानी वानी पीऊंगी, अब खाने का कोई सीन नहीं है रात में,
तो शायद घूमने का प्लान है, एक फ्रेंड से मिलना है, वो जा रही है बैंगलोर कॉलेज के, उससे मैं मास्टर्स करने के लिए, तो मैं उससे मिलने जाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, तो जाके दूसरे वीडियोस देखो, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, व्लॉग एडिट कर रही हूँ, डाल रही हूँ, तो आप जाके इतना तो कर सकते हो, देखो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइस। आज के लिए बस इतना, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट कर दो गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।